सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑल वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SIP कैलकुलेटर के ऐप के बारे में। सो ऐप तो मैं बताऊंगा ही कि कैसा है ऐप, और मैं साथ ही आपको बताऊंगा कि आप SIP जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका दो मेथड होता है जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ओपन करके बताता हूँ SIP कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आपको दो टैब लेआउट मिल जाएगा, एक तो कैलकुलेट का है और एक जो है प्लान का है यहाँ पर। तो मैं प्लान पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं जो है एक्सपेक्टेड अमाउंट डालता हो। मान लीजिए अगर मेरा एक्सपेक्टेड अमाउंट है कुछ 10,000, ये मेरा एक्सपेक्टेड अमाउंट है और मैं रेट ऑफ रिटर्न बोल रहा हूँ 6% के हिसाब से। और मैं साल डिसाइड करूँ कि कितने साल तक जो है मुझे ये इन्वेस्ट करना होगा। तो 2 साल की अगर मैं बात करूँ एंड कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है। मंथली इन्वेस्टमेंट आपको 391 रुपीज़ का करना होगा और आपका जो इन्वेस्टिंग अमाउंट होगा 39,384 होगा, वो भी 6% रिटर्न के साथ आपको मिलेगा यहाँ पर। सो इन्वेस्टेड अमाउंट 9,384 है और आपको जो है 10,000 आपको मिलेगा, यानी कि वेल्थ गेन हुआ आपका 616 रुपया विद द रेट ऑफ रिटर्न 6%। सो मंथली आपको 391 यानी 391 रुपीज़ जो है इन्वेस्ट करना होगा और रेट ऑफ़ रिटर्न आप जो भी डिसाइड करो 7% होता है किसी फंड का या किसी फंड का जो भी है आप समझ लीजिए अभी। सो फंड का रेट ऑफ़ रिटर्न जो है वो परसेंट आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है और पीरियड आप कितने साल में चाहते हो। मान लीजिए अगर मैं चेंज करके इसको 1 साल कर दूँ और कैलकुलेट करूँ तो मुझे मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 807 रुपया करना होगा। और अगर मेरा पीरियड जो है मैं 10,000 अगर एक्सपेक्टिंग अमाउंट रखता हूँ और मैं 4 साल के लिए जो है पीरियड मेरा 4 साल कर देता हूँ तो यहाँ पे जो मुझे महीना का इन्वेस्टमेंट करना होगा 184 रुपीज़ है और मैं गेन करूँगा 1,168 रुपया वेल्थ गेन जो आप देख रहे हो यहाँ पे। और इन्वेस्टिंग अमाउंट टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आप देख रहे हो 8,832 है। तो जितना लंबा आप पीरियड रखोगे उतना आपको गेन होगा, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। और आपका रेट ऑफ़ रिटर्न भी यहाँ पे मैटर करता है। सो मान लीजिए अगर मैं अभी 4 साल से 6 साल कर देता हूँ तो अभी आप ये ध्यान दीजिए 184 मंथली इन्वेस्टमेंट है तो ये 184 का 115 हो गया, यानी जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो आपका कम हो जाता है एंड आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो। तो आपका स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट रेट ऑफ रिटर्न 6% होना चाहिए उसके लिए। सो अगेन कैलकुलेट के सेक्शन पे आते हैं हम लोग, तो मैं आपको कैलकुलेट कैसे करना है वो बताता हूँ। मान लीजिए मैं महीने का ताकत रखता हूँ 500 रुपया इन्वेस्ट करने का और मुझे जो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो अंदाजन 5% है और मैं चाहता हूँ कि मैं 5 साल तक के लिए मैं इसको जो है इन्वेस्ट करता रहूँ। 5 साल यानी आप समझ सकते हो 60 महीना, 60 महीने के लिए मैं हर महीने 500 रुपये जो है इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो कैलकुलेट करूँगा तो मुझे देखने को मिलेगा मेरा इन्वेस्टिंग अमाउंट 30,000 है, राइट, और मुझे मिलता है 34,145, यानी मेरा वेल्थ गेन हुआ 4,145 का। यहाँ पे मेरा रेट ऑफ़ रिटर्न जो है वो 5 है। अगर मैं रेट ऑफ़ रिटर्न जो है 6 कर देता हूँ और साल जो है कम करके 2 साल कर देता हूँ एंड कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर मेरा इन्वेस्टिंग 12,000 का है, वेल्थ गेन जो देख रहे हो आप 780 है एंड एक्सपेक्टेड अमाउंट है 12,780। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं SIP कैलकुलेट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो बहुत ही ईजी है और आपको ये ऐप यूज़ करना चाहिए, बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। सो अगर आपका ये वीडियो, आज का ये जो वीडियो है, हेल्पफुल रहा होगा, अगर आपको सच में समझ में आया हो, पसंद आया हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू एंड बाय बाय।